इंट्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि माय नेम इज अरविंद एंड आई एम नॉट केजरीवाल. तो ये कभी चेंज नहीं होता है. खैर शुरू करते हैं कुछ. एक पुराना शेर, एक नया शेर, उसके बाद दो छोटे छोटे से पीसेस. एक शेर है, इसका नाम है खिड़की. बहुत जनों को पसंद है कि खिड़की खुली रह गई थी मेरी, खिड़की खुली रह गई थी मेरी, उसकी यादें चली आई. खिड़की खुली रह गई थी मेरी, उसकी यादें चली आई, अब आकर बैठी हैं बिस्तर पर मेरे, अब वहाँ सो नहीं सकता मैं. शुक्रिया. एक नया शेर अभी कुछ इसी हफ्ते लिखा था कि जिसे तुम फूंक फूंक कर पियो, जिसे तुम फूंक फूंक कर पियो, मगर फिर भी वो तुम्हारा मुंह जला दे. जिसे तुम फूंक फूंक कर पियो, मगर फिर भी वो तुम्हारा मुंह जला दे, बस वही चाय होती है इश्क. एक शेर और. मुझे चांद पे लिखना काफ़ी पसंद है, तो एक दो लाइनर उसका कि एक फुल मून पे लिखा था मैंने कि मैं छत पे खड़ा था, चांद को देख रहा था, फिर ऐसे ख्याल आया कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना, शायद हम दूर से देख रहे हैं इसीलिए. फिक्री समझने में समय लगता है, मुझे पता है. तो बढ़ते आगे. एक छोटा सा पीस है, इसमें कुछ शेर हैं, कुछ ऐसे हैं कि जुगनू सफ़र में है, जुगनू सफ़र में है, आफ्ताब होंगे क्या ये जानना है, कि जुगनू सफ़र में है, आफ्ताब होंगे क्या ये जानना है, और वो नज़र में है, महबूब होंगे क्या ये जानना है. शुक्रिया. अब मैं चाहूँगा आप साथ दें, ये जानना है हर एक शेर पे आएगा, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि जुगनू सफ़र में है, आफ्ताब होंगे क्या ये जानना है, और वो नज़र में है, महबूब होंगे क्या ये जानना है. अब वो कहते हैं हम तो तुम्हारे हैं, वो कहते हैं हम तो तुम्हारे हैं, क्या सच में होंगे ये जानना है. और आंसू पलकों में है, आंसू पलकों में है, सैलाब होंगे क्या ये जानना है. अब इसमें इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. कुछ कहना चाह रहा हूँ कि लड़का ब्याह लायक हो गया है, ऐसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ. कि लड़का ब्याह लायक हो गया है, सौदे होंगे क्या ये जानना है. शुक्रिया. कि रंगों से वास्ता नहीं है मेरा, रंगों से वास्ता नहीं है मेरा, सियाह होंगे क्या ये जानना है. और आखिरी शेर देखें कि हिजर में जल रहे हैं दिल, जा इमा और हम, हिजर में जल रहे हैं दिल, जा इमा और हम, मसान होंगे क्या ये जानना है. शुक्रिया. अब हो गया ये. अब आखिरी कविता, बहुत बहुत शुक्रिया. आखिरी कविता ये कुछ जनों ने सुनी है तो माफ़ी चाहूँगा, दोबारा सुन लेंगे, और कुछ लोगों ने नहीं सुनी है. तो इस कविता का नाम है मैं नहीं लिखता. अब इस पीस में मैंने वो कुछ लिखने की कोशिश करी जो मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ लिखना, ये जो मुझे पसंद नहीं है, और वो बातें लिखी जो मैं नहीं लिखता हूँ और क्यों नहीं लिखता हूँ वो समझने की कोशिश करी है. तो कुछ ऐसे है कि मैं नहीं लिखता बड़ी बड़ी बातें, मैं नहीं लिखता बड़ी बड़ी बातें क्योंकि अभी इतनी समझ नहीं है मुझे. मैं नहीं लिखता किसी बलात्कार के बारे में, मैं नहीं लिखता किसी बलात्कार के बारे में क्योंकि जितनी बार वो बात लिखी जाती है उतनी बार वो दुख, वो दर्द, वो दरिंदगी दोहराई जाती है, और उतनी ही बार कोई निर्भया, कोई इस्तीफा बस एक कैंडल मार्च की मोहताज बनकर रह जाती. कि मैं नहीं लिखता अपनी माँ के बारे में, मैं नहीं लिखता अपनी माँ के बारे में, लिख कर क्या करूँ, मेरी माँ को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं. कि मैं नहीं लिखता अपनी माँ के बारे में, मेरी माँ को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, जो कुछ कहना होता है उसकी गोद में सरक कर कह देता हूँ, जो कुछ कहना होता है उसकी गोद में सरक कर कह देता हूँ, कुछ बूंदें आंसू की मैं बिनवाजी तसल्ली से रो देता हूँ. मेरे बालों में हाथ फेर कर वो कुछ यूँ मेरा ख्याल करती है, मेरे बालों में हाथ फेर कर वो कुछ यूँ मेरा ख्याल करती है, मुझे मेरी ही नज़र में एक बार फिर नायाब करती है. कि मैं नहीं लिखता अपने पिता के बारे में, मैं नहीं लिखता अपने पिता के बारे में, लिख कर क्या करूँ, उन्हें कुछ पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, जवानी हमारा बचपन सुधारने में लगा दी और ढलती जवानी हमारी जवानी सुधारने में लग रही है. अब मैं समझता हूँ उन्हें, लेकिन मेरा बाप मुझे कुछ खास समझ नहीं आता, मतलब वो करते तो हैं बस उन्हें वो प्यार जताना नहीं आता. अब वो अक्सर कहते हैं मुझसे कि तू बेफिक्र है, वो अक्सर कहते हैं मुझसे कि तू बेफिक्र है, मैं हूँ ना, फिर ठीक उसी के बाद मुझे इस बात के ताने देते हैं कि मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं.
अब बताओ एक इंसान फिक्रमंद होकर भी बेफिक्र कैसे रह सकता है, लेकिन मैंने उन्हें ऐसे जीते देखा है। खैर मैं नहीं लिखता इस सरकार के बारे में, मैं नहीं लिखता सरकार के बारे में, जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले इस हिस्सेदार के बारे में। और हाँ, मैं नहीं लिखता किसी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, मैं नहीं लिखता किसी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। यहाँ डर तो लगता है ना थोड़ा जेल जाने में। और हाँ, मैं नहीं लिखता मीम्स ममता दीदी के बारे में, ये तब लिखा था जब बहुत मीम्स बन रहे थे उन पर, कि मैं नहीं लिखता मीम्स ममता दीदी के बारे में, शेयर शौक से कर देता हूँ, आखिर क्या जाता है थोड़ा हंसने हंसाने में। और एक आखिरी बात कि मैं नहीं लिखता लड़कियों के उन मुश्किल दिनों के बारे में, मैं नहीं लिखता लड़कियों के उन मुश्किल दिनों के बारे में, कभी खुलकर बात करते सुना नहीं मैंने अपनी माँ और बहनों को इस बारे में। और अब ऐसा नहीं है कि वो ये बात कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, होनी चाहिए, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी ना उनकी इस बात को मुझसे छुपाने में, तो फिर मैं क्यों उन बातों को यूँ महफिलों में सरेआम करता फिर। खैर, अब लिखने को ये बातें सब लिख तो रहे हैं, लिखने को ये बातें तुम सब लिख तो रहे हो, मैं बस समझने की कोशिश करता हूँ। और लिख कर क्या करूँ, यहाँ किसी को समझने की फुर्सत कहाँ है। तो इसलिए लिखने को ये बातें सब लिख तो रहे हैं, मैं बस समझने की कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं लिखता बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि अभी इतनी समझ नहीं है मुझे। शुक्रिया। अब जाते जाते दो छोटे छोटे शेर, एक नया लिखा था एक पुराना पढ़ूंगा, कि रकीब को रकीबी मैंने उधार कर दी, रकीब को रकीबी मैंने उधार कर दी, शराब जो पड़ी थी मेरे प्याले में मैंने उसके इनाम कर दी। आखिरी शेर एक चांद पे ही बोलना चाहूँगा, कि मैं उस चांद को अपना नहीं कह सकता, मैं उस चांद को अपना नहीं कह सकता, और तुम मेरा चांद ही तो हो। शुक्रिया।